हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। 8 बज गए, हम मिल रहे हैं एक विचार के साथ। दुनिया भर के संत महात्मानों ने, फकीरों ने, विद्वान और दार्शनिकों ने जिस एक बात के लिए निर्विवाद रूप से भारत को नमन किया है, वो है हमारे देश के पास योग विद्या का होना। योग अपने आप में विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों है, और योग के दो आधार हैं, संयम तथा साधना। विद्वानों की भाषा में संयम को तपश्चर्या कहेंगे और साधना को अंतर मन की यात्रा बोलेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो मैं जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की जो चर्चा कर रहा हूं, उसमें 6वां सूत्र है, प्रतिदिन थोड़ा योग करें। चलिए आज योग की एक छोटी सी परिभाषा को जान लें। योग यानी टोटल, पूर्ण, जिसे आज के प्रबंधन के युग में शत प्रतिशत कहा जाता है। देखिए, ये परफेक्ट होने के साथ साथ कंप्लीट होने का भी टाइम है। अब थोड़ी लैंग्वेज मैनेजमेंट की हो रही है तो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। कंप्लीट, हाँ, यदि जरा सा अधूरा रहा तो समझ लीजिए पूर्णता खंडित हो गई। तो आइए दो पात्रों के पास चलेंगे। तो जो मैं बात कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा रह गया, जरा सी चूक हो गई, अगर कोई बात कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होता है। ये दो पात्र हैं श्री कृष्ण और दुर्योधन। जो भी काम करें पूरे मन से करें, पूरी सफलता की इच्छा से करें, 1% कमी भी परिणाम को बदल देती है। क्योंकि सही तरीका एक ही होता है कि काम को पूरा किया जाए, आधा अधूरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना है। महर्षि दुर्वासा माता यशोदा को एक ऐसा लेप दे जाते हैं कि जिससे कृष्ण का पूरा शरीर, अगर उस पर उसको लेप दिया जाए तो हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित रहेगा। बस तो फिर क्या था, मां यशोदा ने लेप लगाना आरंभ किया पर वो लेप पैर के तलवे तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है। सारी उम्र श्री कृष्ण कि इस लेप से रक्षा होती है, तमाम अस्त्र शस्त्र से, लेकिन जब अंतिम समय आता है और वो प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ पर पीठ टिकाकर बैठते हैं, अपनी दाईं जांघ पर पैर रखते हैं बायां, और विश्राम कर रहे होते हैं, उसी समय पास की झाड़ी में एक शिकारी, उसका नाम था जरा, वो देखता है भगवान के पैर के तलवे में, खास तौर पे अंगूठा देख के उसको लगता है हिरण की आंख है और बाण चला देता है। और शरीर का वही हिस्सा जो उस लेप के लगने से रह गया था वही बाण लगता है और उनके शरीर त्याग का कारण बन जाता है। बात सीधी है, लेप 100% नहीं हो पाया, इतना सा रह गया कि प्राणों का मोल चुकाना पड़ा।
तो समझ लिया जाए कुछ भी अधूरा न छूटे। अब ऐसा ही एक प्रसंग और है दुर्योधन का। महाभारत का युद्ध समापन पर 18वीं शाम चल रही, सब मर गए, कौरवों का हारना तय हो गया, तो दुर्योधन की सारी स्थितियां प्रतिकूल। महाभारत की कथा देख कर सुना रहा था संजय धृतराष्ट्र को, तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपके जिस बेटे के पास कभी 11 अक्षोहिणी सेना थी, सब मारी गई, आपका तेजस्वी पुत्र दुर्योधन गदा लेकर रणांगन से भाग रहा है सरोवर की तरफ। दुर्योधन की मां गांधारी ने अपने पति के अंधे होने पर प्रण लिया था कि मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करूंगी, तो उनको ये वरदान था कि अगर वो पट्टी खोल के जिस किसी को देख लेंगी तो उसकी देह वज्र की हो जाएगी। तो अपने पुत्र को कहा कि मेरे पास आओ, लेकिन निर्वस्त्राना। दुर्योधन निर्वस्त्र जा रहे थे, बीच में कृष्ण मिल गए, उनको सूचना मिल गई थी, और कृष्ण ने कहा कि तुम युवा हो, माना कि वो तुम्हारी माँ है, तुम पुत्र हो, लेकिन युवा पुत्र को अपनी माँ के सामने इस स्थिति में जाना अमर्यादा का लक्षण है। अगर माँ ने निवृस्त आने के लिए कहा है तो कम से कम जंघाओं पे पत्ते लपेट लो। बस दुर्योधन ने कृष्ण की बात मान ली थी और उस सलाह को लेकर पत्ते से अपनी जंघाओं को ढक लिया, और जब गांधारी ने आंख खोली तो वो समझ गई चूक हो गई। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया पर जंघाओं का स्थान रह गया, और गदा युद्ध के समय भीम को अर्जुन के माध्यम से ये इशारा कराया कि जंघाओं पे प्रहार करो, और उसने किया और दुर्योधन को प्राण त्यागना पड़े। किसी भी कार्य में जरा सी चूक या अधूरापन उसे 100% सफल होने में बाधा पहुंचाता है। योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें संपूर्ण टोटल होने की प्रेरणा छिपी है। मैं हमेशा आग्रह करता हूं आप कितने व्यस्त हों, 24 घंटे में कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालिएगा। देखिए 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया, इसी 24 घंटे में आपको योग से गुजरना है, और जो भी करना है जमकर करना है और पूरा करना है। आज मैं आपसे अनुमति लूंगा, हम कल फिर एक नए विचार के साथ मिलेंगे। अभी जीवन प्रबंधन के साथ सूत्रों की चर्चा चल रही है, कल मिलते हैं 8 बजे। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।